Hello everyone, welcome to the introduction lecture on design and analysis of algorithms. As far as DA, that is design and analysis of algorithm, is concerned, it is a very, very important and a core subject of computer science and engineering. As far as the university examinations are concerned, as well as your technical placement questions are concerned, or GATE is concerned, DA has a prominent share in all the three aspects. So what we are going to do here is that we are going to make the complete video series in order to understand what do we really understand by designing and analysis of algorithms. We need to understand what is algorithm, what are the different types of algorithms, the design paradigms, as well as how we can analyze the efficiency of an algorithm. So DA is a very important subject, and if you follow this particular video series rigorously and religiously, I'm sure that you will be having a clear understanding of the subject and you will be able to solve your questions and your examination in a good manner. So let us start with the introduction, the basic definition of what do we really understand by an algorithm. So sabse pehle samajhne ke liye algorithm ko, because ये थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है एंड इससे पहले आप लोग सी प्रोग्रामिंग एंड योर डेटा स्ट्रक्चर्स द बेसिक्स इज ऑलमोस्ट क्लियर टू ऑल यू ऑल द स्टूडेंट्स. सो प्रोग्रामिंग, जब भी हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो अगर मैंने आपको एक कोड दिया करने के लिए, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप अपने माइंड में कुछ स्टेप्स सोचोगे, कुछ लॉजिक सोचोगे. सपोज मैंने आपको स्वैप करने का एक प्रोग्राम दिया, देर आर टू नंबर्स, मैंने कहा उसको स्वैप कर दीजिए, तो यू विल बी थिंकिंग अबाउट अ लॉजिक, यू विल बी थिंकिंग अबाउट अ कोड के ओके दीज विल बी द स्टेप्स, राइट. सो नाउ इफ दोज थिंग्स, दोज लॉजिक दैट यू फर्स्ट डिवाइज इन योर माइंड, इफ यू राइट इट ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर, यू नो, इन अ सिक्वेंशियल मैनर, दैट बिकम्स एन एल्गोरिथम. उसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज हो रही है, बस आपने क्या करा, जो आपके स्टेप्स थे उस लॉजिक को कंप्लीट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपने उसे एक पेपर पर लिख लिया है. सो एल्गोरिदम इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, उसको हम एक एल्गोरिदम कहते हैं. नाउ इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दैट इज वेरी क्लियर. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नाउ देर आर सर्टन पॉइंट्स दैट आई हैव रिटन, देर आर मोर देन वन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. वेरी फाइन, स्वैपिंग का एग्जाम्पल दिया, आप स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप प्लस और माइनस का लॉजिक लगा के दो वेरिएबल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दोनों का सेम आएगा. सॉर्टिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स आप लोग पढ़कर आए, यू हैव क्विक सॉर्ट, यू हैव मर्ज सॉर्ट, यू हैव हीप सॉर्ट, यू हैव काउंटिंग सॉर्ट, एंड सो मेनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आर देयर. लेकिन आंसर तो सबका सेम आता है, लेकिन हम लोगों ने लॉजिक डिफरेंट फ्रेम करा है. तो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं. सपोज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैंने पांच स्टूडेंट्स को दिया, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनमें से चार डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन लेकर उसको प्रेजेंट करें. सो एल्गोरिथम्स कैन बी मोर देन वन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एन एल्गोरिथम कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई यूजिंग अ डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. आप सी में भी लिख सकते हैं, आप पाइथन में भी लिख सकते हैं, आप जावा में भी लिख सकते हैं, बिकॉज एल्गोरिदम डू नॉट फॉलो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. लेकिन हम उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स को यूज कर सकते हैं ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें, बट इट इज नथिंग बट द स्टेप्स इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इट डू नॉट रिगरसली फॉलो the syntax of any programming language. Algorithm must be correct. अगर आपका blueprint correct होगा, तभी आपका code भी correct बनेगा. So that is interrelated with programming, of course. And once you have a correct algorithm for a problem, you can determine the efficiency. That is, you can determine. Suppose अगर आपको हमने swapping का एक program दिया, और हमारे पास दो logics हैं, एक temporary variable को लेकर है और एक प्लस माइनस का लॉजिक लेकर को बेटर है, तो हमारे पास वो दोनों करेक्ट एल्गोरिदम्स हैं, दोनों हमें करेक्ट आंसर देते हैं. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई इन दोनों में से बेटर क्या होगा. अब थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते हैं. आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ कर आए हैं,
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, कितनी मेमोरी आपको लग रही है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं सिंपल स्वैपिंग के प्रोग्राम को लूँ, दैट दिस इज़ अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, तो जहाँ पर मैंने टेम्परेरी वेरिएबल लिया है वहाँ पर मैंने एक मेमोरी स्पेस एक्स्ट्रा ले ली, और जहाँ पर मैंने प्लस माइनस का लॉजिक लगाया है वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस नहीं ली गई। तो इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, जहाँ पर मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, एक थर्ड वेरिएबल लिया, आई एम यूजिंग द कंप्यूटर मेमोरी और द कंप्यूटर रिसोर्सेज अ लिटिल एक्स्ट्रा, राइट? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से वो एल्गोरिदम थोड़ी सी कॉस्टली हुई क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया। सो दैट इज़ वेयर द एफिशिएंसी एंड द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स कम्स। बेसिकली कितना टाइम और कितना स्पेस ले रहे हैं हम वो चीज़ कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल ये है, तो द असेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एल्गोरिदम इज अ स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, एंड इट डू नॉट फॉलो एनी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, प्लस यू कैन एनालाइज इट, राइट? अगर आपके पास एल्गोरिदम्स हैं तो आप उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट विच एल्गोरिदम इज बेटर। So this is the essence of the complete subject that you are going to study. Next important question is, ये university examination में पूछा जाता है, so please study these 5 points importantly. Algorithm के characteristics क्या क्या होते हैं? Input output, कोई एक input होगा algorithm के अंदर। For example, मैं sorting का example लेती हूँ, आपको एक algo लिखनी है sorting के लिए, तो आप कुछ इनपुट दोगे जो कि अनसॉर्टेड नंबर होगा और आपको कुछ आउटपुट मिलेगा जिसके अंदर आपको एक सॉर्टेड सीक्वेंस मिलेगा। फाइनाइटनेस, ऐसा नहीं हो सकता कि एल्गोरिदम कहीं पर टर्मिनेट ही ना करे, वो इनडेफिनेटली मूव ऑन करते रहे, तो एल्गोरिदम शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। डेफिनेटनेस, डेफिनेटनेस मीन्स कोई भी स्टेटमेंट आपका वेग नहीं हो सकता, मीन्स हर एक स्टेटमेंट इस तरीके का स्टेटमेंट होना चाहिए आपकी एल्गोरिदम को जिसको आप एक प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर सकें, मीन्स हाइपोथेटिकल नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास होना चाहिए, दैट इज़ डेफिनेटनेस। इफेक्टिवनेस, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने लिखा, इफेक्टिवनेस मीन्स एक सपोज अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जो स्टेटमेंट है वो डिफाइंड स्टेटमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी एन इफेक्टिव स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेकरेंस होता है, राइट? फॉर एग्जांपल आई हैव अ नंबर 7.333333333, राइट? तो वो 3 कब तक जा रहा है, हम मैथमेटिक्स में उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, दैट इज़ नॉट अ डिफाइंड एंड एन इफेक्टिव नंबर, तो क्या करते हैं राउंड ऑफ कर देते हैं, 7.4 लिख लेते हैं, राइट? तो इस तरीके से, तो एल्गोरिदम में कोई भी चीज़ वेग नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी प्रिसाइज एंड कन्वर्टेबल इंटू अ प्रोग्राम, एंड ऑफकोर्स टर्मिनेशन, कहीं ना कहीं एल्गोरिदम एंड होनी चाहिए और उस एंड पे हमें हमारा आउटपुट मिलना चाहिए। आई विल बी गिविंग यू द कम्प्लीट नोट्स ऑफ दीज वीडियो लेक्चर्स एज वेल, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, तो यू कैन जस्ट रिवाइज इट देयर। सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देन ये मैं अभी भी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ पहले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द टू आस्पेक्ट्स ऑफ एल्गोरिदम परफॉर्मेंसेस, दैट इज़ द टाइम एंड द स्पेस। मैंने आपको स्पेस का एग्जांपल दिया था कि हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस ली, राइट? तो एल्गोरिदम क्या हो गई हमारे लिए, कॉस्टली। तो इसी तरीके से टाइम की बात करते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस कितना टाइम लेंगे, प्लस कितना फास्ट मेरी एल्गोरिदम परफॉर्म करेगी, दैट मीन्स मुझे कितना जल्दी आउटपुट मिलेगा, या फिर क्या एल्गोरिदम मेरे रन टाइम को इफेक्ट कर रही है, दैट इज़ द एग्जीक्यूशन टाइम, क्या मेरा लॉजिक ऐसा है जो मेरे एग्जीक्यूशन टाइम को इंक्रीज कर रहा है, तो दैट इज़ समथिंग रिलेटेड विद द टाइम कैलकुलेशन। स्पेस ऑफकोर्स कितना स्पेस लिया है, दैट मीन्स मेमोरी लोकेशन, व्हाट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सी यहाँ पर अगर आपको मैं हायरार्की की बात अगर आपको समझाऊँ, तो आप लोगों ने पहले सी पढ़ा, दैट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने एक सिंटेक्स सिमेंटिक्स पढ़ा कि कंप्यूटर के साथ हम लोग किस तरीके से कोई भी टास्क अकम्प्लिश करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, राइट? अब आप लोगों को कोडिंग आ गई, मीन्स आपको लॉजिक बिल्डिंग फ्रेमिंग आ गया, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाया गया। डेटा स्ट्रक्चर इज हाउ यू आर गोइंग टू पुट योर इनपुट डेटा इनटू द मेमोरी, राइट? तो अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स को ध्यान से पढ़ा है, तो अगर नोटिस किया है, तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़े, एरे, लिंक्ड लिस्ट, टैग, क्यू, यू नो, एंड ग्राफ ऑल्सो,
ट्रीज एंड ग्राफ्स। तो आपने नोटिस किया होगा ट्रिवियल ऑपरेशंस ही आपको पढ़ाए गए, दैट मीन्स इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर इज कि आप डेटा को मेमोरी में कैसे रखते हो, और क्योंकि अब आपने उस डेटा को उठाकर कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर प्लेस किया है इन अ कम्प्लीटली डिफाइंड फॉर्मैट, जैसे एरे एक डिफाइंड फॉर्मैट है, लिंक लिस्ट एक डिफाइंड फॉर्मेट है, उसमें नोड बनती है, डेटा रखा जाता है, एड्रेस रखा जाता है, दैट इज़ अ डिफाइंड फॉर्मेट। अब उस डिफाइंड फॉर्मेट में रखने के बाद आपने डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करे। ऑब्वियसली इफ़ यू आर पुटिंग समथिंग इन टू द मेमोरी यू विल बी यूटिलाइजिंग इट, राइट। सो किस तरीके से रखा और कैसे हमने उसके ऊपर बेसिक ऑपरेशंस, ट्रिवियल ऑपरेशंस परफॉर्म करे, इंसर्शन, डिलीशन एंड सो ऑन। एंड डा इट इज़ द कम्प्लीट डिजाइनिंग ऑफ एन एल्गोरिदम, जिसको हम अल्टीमेटली एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। एंड व्हेन वी हैव अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, दैट इज डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर। तो ये जो आपका लैडर है, दैट इज द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ करा, वो भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर इफेक्ट डालता है। एंड यहाँ पर जब भी हम लोग स्टडी करेंगे तो हम ज़्यादा फोकस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर देंगे, बिकॉज अभी आप आगे देखेंगे, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट स्टिल यहाँ पर जितना भी फोकस रहेगा मोस्ट प्रॉबेबली दैट विल बी ऑन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इम्पॉर्टेंट है। बट जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन हो रहा है हार्डवेयर का, आपने देखा होगा फ़ोन के अंदर ही ड्रास्टिक इंक्रीज है अमाउंट ऑफ मेमोरी में, तो सिस्टम में भी मेमोरी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे जैसे हार्डवेयर और सोफेस्टिकेटेड और स्मॉल होते जा रहे हैं, मेमोरी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती जा रही है। तो जो हमारा बेसिक फोकस होता है दैट इज़ ऑन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो आई होप दैट दिस बेसिक स्लाइड इज़ क्लियर टू यू ऑल। Then it is a very basic definition of analysis of algorithm. Of course, it is a very important area of computer science that provides tools to analyze. Tools is your time and space complexity to analyze the efficiency of different methods and solutions. That is the algorithm. So design and analysis of algorithm में करते क्या हैं, हमारे पास कुछ tools हैं जो कि हमारी space complexity और time complexity होते हैं, और उनसे हम क्या वो methods या वो instructions जो हमने किसी problem को solve करने के लिए लिखे हैं उन्हें analyze करते हैं। So क्या क्या points हम यहाँ पर consider करते हैं, how the algorithm is coded, now we have the steps written with us, अब हम उन algorithms को किस तरीके से code करेंगे। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा algorithm है तो of course we will be comparing and finding out the best one, then what computer should we use, जब हमारे पास algorithm आ जाती है हम डिसाइड करते हैं कि इसको हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ऑफ कोर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस हार्डवेयर के ऊपर उसको सॉल्व करने वाले हैं। मीनिंग जैसे हमारे पास एल्गोरिदम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के वर्जन्स होते हैं, तो कौन सा वर्जन कौन से हार्डवेयर के ऊपर रन करता है, दैट इज़ द थिंग। एंड वॉट डेटा शुड द प्रोग्राम यूज़, दैट मीन्स क्या हम किसी स्पेसिफिक डेटा के ऊपर वर्क करें। तो बेसिकली ये चीज़ इतनी जो हम इसको इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ सिंपली रिलेटेड विद अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और उसमें से बेस्ट कौन सा है, दैट इज़ द एनालिसिस एंड आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट मेथड टू सॉल्व इट, दैट इज़ द डिज़ाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द बेसिक मोटिव बिहाइंड स्टडिंग डा एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट। सो ऑफ कोर्स इट विल बी हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मीनिंग यहाँ पर क्या है, स्केलेबिलिटी मींस इंक्रीजिंग इन साइज। फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉर्टिंग करी है, तो मैंने सॉर्टिंग अगर 10 नंबर्स को लेकर करी है तो मेरे पास क्या स्टैटिस्टिकल डेटा है, कितना टाइम लगा, कितना स्पेस लगा। सपोज वही डेटा 10 मिलियन हो गया तो मेरे को कितना टाइम और स्पेस लगा, राइट। अनसॉर्टेड डेटा अगर 10 मिलियन होता तो स्केलेबिलिटी, आपका इनपुट साइज इंक्रीज हो गया तो आपका परफॉर्म, आपका प्रोग्राम कैसे बिहेव कर रहा है, दैट यू कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ दिस। यू कैन डिफाइन द लाइन बिटवीन द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, मीन्स अगर आपकी एल्गोरिदम आपको करेक्ट आंसर देती है तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट येस नाउ If I convert it into a program, ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। दैट मीन्स एग्जैक्ट कोडिंग करने से पहले आप पेन एंड पेपर के साथ डिसाइड कर सकते हैं।
Algorithmic mathematics provides a language for talking about program behavior. Algorithm के behavior से हम अपने code के behavior को भी judge कर सकते हैं. That is also an important thing. आप अगर pen and paper पे, see why I am saying pen and paper repeatedly, because अगर हम लोगों ने ध्यान से implement करने से पहले ही अपने code को check कर लिया, तो जो हमारा time, human resource और हमारा effort प्रोग्राम करने में जाएगा वो थोड़ा सा बच जाएगा अगर हमने गुने एक सही लॉजिक नहीं लगाया तो. दैट इज़ व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम बिहेवियर एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि अगर इनपुट इंक्रीज किया तो कहीं प्रोग्राम ऐसा तो नहीं होगा कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा या डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस पे कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा. दैट इज़ द पॉइंट. एंड ऑल्सो वी कैन कंपेयर बिटवीन टू एल्गोरिदम्स. इफ आई हैव two ways of solving one particular problem, so I can analyze कि कौन सी algorithm मेरे लिए better है. I think यहाँ पर सिर्फ basic introduction, what do we understand by algorithm, analysis से हमारा क्या मतलब है, time की analysis, space की analysis, और हम basically DAG को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक basic introduction आप लोगों को clear होगा. For any doubt, you can please feel free to ask your queries. And thank you. Stay healthy and study well.